दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत के स्वदेशी बॉम्बर को लेकर, और इस समय भारतीय वायुसेना ने खुद के स्वदेशी और मिनी बॉम्बर को मंजूरी दे दी है। दरअसल आप सभी को बता दूं कि पिछले साल काफी ज्यादा ऐसी खबरें सर्कुलेट करी जा रही थी कि चाइना के पास तो H-20 जैसा स्टेल्थ बॉम्बर आ जाएगा, जिससे चाइना भारत की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए भारत के अंदर तक स्ट्राइक कर सकता है, और इससे निपटने के लिए भारत को या तो खुद का स्टेल्थ बॉम्बर बनाना चाहिए या फिर रशिया से S-500 जैसी जो रडार प्रणाली है उसको लेना चाहिए, ताकि चाइना के इस H-20 स्टेल्थ बॉम्बर को काउंटर किया जा सके। परंतु फाइनली भारतीय वायुसेना की तरफ से अपने स्वदेशी स्टेल्थ बॉम्बर को बड़ी मंजूरी दे दी गई है। दरअसल आप सभी को पता होगा कि भारत की तरफ से घातक UCAV कार्यक्रम के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से काम किया जा रहा है, और घातक UCAV के लिए जो हमने एक छोटा प्रोटोटाइप बनाया है जिसका नाम है स्विफ्ट UCAV, भी इसके सफल परीक्षण भी भारत के DRDO की तरफ से सफलतापूर्वक कंप्लीट किए गए हैं। अब भारतीय वायुसेना इसी स्विफ्ट UCAV जो कि 1 टन का है, इसको एक स्वदेशी बॉम्बर में बदलने का काम DRDO को दे चुकी है, क्योंकि एक तो स्विफ्ट UCAV साइज में काफी ज्यादा छोटा है और इसके ऊपर अच्छी तरीका से रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल और रडार क्रॉस सेक्शन को कम करके इसको बहुत ही घातक बॉम्बर के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसका खुद का वजन करीब 1 टन यानी 10 क्विंटल का है, और यह है 2 क्विंटल तक के जो हथियार है वो अपने इंटरनल वेपन बे के अंदर ले जा सकता है, यानी छोटा होने के कारण यह दुश्मन के लिए और भी ज्यादा घातक इसलिए पड़ेगा क्योंकि साइज में काफी ज्यादा छोटा है, रडार क्रॉस सेक्शन वैसे ही कम होगा जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम इसको आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे, और जब हमारा 13 टन वाला घातक UCAV बनकर तैयार होगा वो आ जाएगा। परंतु इससे पहले यह भारत का स्वदेशी मिनी स्टेल्थ बॉम्बर भारतीय वायुसेना को मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके जो सारे परीक्षण हैं वो अभी कंप्लीट हो चुके हैं।